हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड टाइम फूडिशियस। आज मैं आपके साथ 10 मिनट में हम किस तरह से क्रिस्पी वेफल्स बना सकते हैं, तो ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और चॉकलेट वेफल्स सभी के फेवरेट हैं, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं ये। आप इसे बच्चों को टिफ़िन में रख कर भी दे सकते हैं, उन्हें बेहद पसंद आएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका बनाने का तरीका। बहुत ही ईजी रेसिपी है। यहाँ पर मैंने नटेला लिया है, चॉकलेट स्प्रेड, और यहाँ पर मैंने कुछ ब्रेड स्लाइसेस ले लिए हैं। तो सबसे पहले हमें ब्रेड के ऊपर ये चॉकलेट सॉस को लगा देना है। तो इसे हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, ब्रेड पर हमें इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। इसी तरह से सारे ब्रेड के ऊपर हम इसे स्प्रेड कर लेंगे। नटेले का फ्लेवर बच्चों को बहुत पसंद आता है, बच्चे तो इसे इसी तरह से चम्मच से खाते हैं, और इसे हम इस तरह से टिफ़िन में बच्चों को बना कर देंगे तो वो बहुत ही पसंद करेंगे। और इस तरह से आप ज़रूर बना कर दें। तो इस तरह से हमें सारे ब्रेड को बना लेना है, और एक पर एक इस तरह से हम रख लेंगे सैंडविच की तरह। तो यहाँ पर मैंने सारे बना लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने वेफल मेकर ले लिया है, तो इसे मैंने ऑन कर दिया है, और इस पर मैं बटर डालूंगी, मेल्टेड बटर, और आप ऑयल भी डाल सकते हैं इसमें। और इसे हमें पहले थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है कि ये चिपके नहीं। तो इसे अच्छे तरीके से मैंने नीचे का पोर्शन भी इसे ग्रीस कर लिया है अच्छे से, और जो ऊपर का पोर्शन होता है उसे भी हमने अच्छे से ग्रीस कर लेना है। तो ये मैंने कर लिया है। अब हम इसमें रखेंगे जो ब्रेड हमने तैयार करके रखे हैं, तो इस तरह से हम सैंडविच की तरह से रख लेना है। दो साइड पर मैंने दोनों रख लिए हैं, और इसे हम बंद कर देंगे, और इसे हम बेक करेंगे इसके क्रिस्पी और गोल्डन होने तक। तो ये देखिए अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन हो गए हैं। मैं इसे 2 मिनट के लिए और बेक कर लूँगी कि इसमें अच्छा सा क्रिस्पनेस और गोल्डन कलर आ जाए। तो ये देखिए इसे हम 5 मिनट में तैयार कर सकते हैं। तो देखिए हमारा जो ये वेफल है रेडी हो गया है। तो इस तरह से आप ब्रेड से 10 मिनट में वेफल बना सकते हैं। इस तरह से बनाएं और बच्चों को टिफ़िन में दें, और शाम के नाश्ते में इसे इंजॉय करें, सुबह के ब्रेकफास्ट में भी इसे आप खा सकते हैं। इसे थोड़ा सा हम डेकोरेट करेंगे, गार्निश करेंगे चॉकलेट सिरप से, इससे इसका मज़ा और दुगना हो जाएगा। थोड़ी सी फ्रेश क्रीम को भी हम ऊपर से पोर करेंगे, तो बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगेंगे इस तरह से। तो आप इस तरह से ज़रूर बनाएं और ट्राई करें, बहुत इजी रेसिपी है और बच्चों को बहुत पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत ही क्रिस्पी वेफल्स बनते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम।